हेलो डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ राजविंदर कौर एंड आई कमिट टू बी विजिलेंट एंड बियर इन माइंड एट ऑल टाइम्स द रिस्क टू माय सेल्फ एंड माय कलीग्स फ्रॉम COVID-19. आई प्रॉमिस टू टेक ऑल नेसेसरी प्रिकॉशंस दैट प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ दिस डेडली वायरस. आई प्रॉमिस टू फॉलो एंड एनकरेज अदर्स टू फॉलो द की कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर्स, टू ऑलवेज वियर अ मास्क फेस कवर स्पेशली वैन इन पब्लिक प्लेसेज, टू मेंटेन अ मिनिमम डिस्टेंस ऑफ 6 feet फ्रॉम अदर्स, टू वॉश माई हैंड्स फ्रीक्वेंटली एंड थोरोली विद सोप एंड वाटर. Together we will win this fight against COVID-19. So dear 7th class students, we were on our chapter number 2, that is number systems. We have already done our exercises, question answer A, B, C. Now we will move to part D, that is question answers. So first is briefly explain the decimal number system. Decimal number system kya hota hai? The decimal number system is the number system that you use in day-to-day life. This is the normal number system. जब हम normally अपनी life में use करते हैं, that is 1, 2, 3 and so on. The decimal number system consists of 10 digit, that is 0 to 9. ये 10 digit से consist होता है, इसलिए इसका base भी क्या होता है, 10. तो इसमें कौन कौन से digit होते हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9. सो दियर फॉर द बेस ऑफ डेसिमल नंबर सिस्टम इज 10. किसी भी नंबर सिस्टम में जितने डिजिट होते हैं उतना ही उसका बेस होता है. द बेस ऑफ अ नंबर सिस्टम इज प्लेस्ड एज अ सबस्क्रिप्ट ऑफ अ नंबर. सो बेस को हम उसकी सबस्क्रिप्ट के तौर पे प्लेस करते हैं. सबस्क्रिप्ट मैंने बताया था आपको कि नंबर के राइट वाली साइड नीचे डाली जाती है, जैसे यहाँ पे है 547 का बेस कितना दिया उन्होंने, 10. डिनोट्स दैट द डेसिमल नंबर 547 हैज बेस 10, कि ये नंबर कौन सा है, डेसिमल नंबर है. सो दिस इज़ योर डेसिमल नंबर सिस्टम जो हम कॉमनली यूज़ करते हैं. नेक्स्ट इज ब्रीफली एक्सप्लेन द हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम. हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम को एक्सप्लेन करना है. द हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 16 डिजिट. डेसिमल 10 से कंसिस्ट होता था, लेकिन ये 16 डिजिट से कंसिस्ट होता है. 16 इज़ ऑल्सो द बेस फॉर अ हेक्साडेसिमल. जो मैंने पहले भी बताया था कि जितने नंबर्स होंगे किसी नंबर सिस्टम में उतना ही उसका बेस होगा. सो सेम, अगर हेक्साडेसिमल में 16 डिजिट हैं तो उसका बेस भी कितना है, 16. दिस नंबर सिस्टम इंक्लूड्स 10 डिजिट्स फ्रॉम 0 to 9. डिजिट 10 यूज़ होते हैं 0 to 9 एंड लेटर्स 6, दैट इज़ A to F, और 6 लेटर यूज़ होते हैं A to F. द लेटर रिप्रजेंट डेसीमल नंबर. A किसको रिप्रजेंट करता है, 10 को, बी 11 को, सी 12 को, डी 13 को, ई 14 को एंड एफ 15 को. तो इसमें हम कह सकते हैं कि टोटल 15 डिजिट होते हैं. ओके, दैट इज़ फ्रॉम 0 to 15, 16 डिजिट्स होते हैं और 6 क्या होते हैं, लेटर्स होते हैं. द नंबर सिस्टम इज़ ऑल्सो पोजिशनल वैल्यू सिस्टम. ये भी पोजिशनल वैल्यू सिस्टम है कि इसकी पोजिशन डिसाइड करती है कि इसकी पावर कितनी होगी. ठीक है, और पोजिशन हमेशा राइट से स्टार्ट होती है, यूनिट्स नंबर से. सो थर्ड क्वेश्चन इज हाउ मैनी टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम आर देयर. कितने टाइप के नंबर सिस्टम हमने इस चैप्टर में पढ़े हैं, 4 टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम. फर्स्ट इज डेसिमल, सेकेंड इज बाइनरी, थर्ड इज ऑक्टल एंड फोर्थ इज हेक्साडेसिमल. सो डेसिमल का बेस कितना होता है, 10, डिजिट आर 0 to 9. बाइनरी का बेस है 2, डिजिट्स आर 0 and 1 ओनली. ऑक्टल का बेस है 8, डिजिट्स आर 0 to 7 और हेक्साडेसिमल का बेस है 16, डिजिट्स आर फ्रॉम 0 to 9 एंड 6 लेटर दैट आर फ्रॉम A to F. सो फोर्थ क्वेश्चन इज हाउ कैन यू कन्वर्ट अ डेसिमल नंबर इनटू बाइनरी. हम डेसिमल से बाइनरी कैसे कन्वर्जन करते हैं. सो फर्स्ट स्टेप है डिवाइड द डेसिमल नंबर विद द बेस 2. तो यहाँ पे मैंने 5 की एग्जांपल ली है, 5 के साथ मैंने 10 डाला है, दैट मीन्स इसका बेस कितना है, 10. ये एक डेसिमल नंबर है. ओके, तो 5 हमारा फर्स्ट स्टेप क्या है, मैंने डिवाइड किया उसको 2 के साथ. ठीक है, तो मेरा क्वेश्चन कितना आ जाता है, 2. सेकंड स्टेप क्या है, नोट द रिमाइंडर टू द राइट ऑफ द डिविडेंड. मैंने जो रिमाइंडर आया था 2 to the 4, दैट मीन्स अगर मैं 5 में से 4 माइनस करूँगी तो मेरा 1 रिमाइंडर आ जाएगा. तो मैं रिमाइंडर को डिविडेंड के राइट में लिख लूँगी. ओके, देन थर्ड स्टेप इज डिवाइड द क्वेश्चन अगेन बाई 2. अभी जो मेरे पास नंबर ऑब्टेन हुआ था एज अ क्वेश्चन, उसको मैं क्या बना लूँगी, डिविडेंड, और उसको फिर से किसके साथ डिवाइड करूँगी, 2 के साथ. देखिए, क्वेश्चन बिकम डिविडेंड इन द नेक्स्ट सक्सेसिव डिवीजन. सो क्वेश्चन मेरा डिविडेंड बन गया. एंड मैंने उसको अगेन 2 से डिवाइड किया.
फोर्थ स्टेप क्या है कि अपने सेकंड स्टेप को रिपीट करना है, लाइक उसका रिमाइंडर लिखते जाना है, ठीक है। रिपीट स्टेप टू टिल द क्वेश्चन इज जीरो, जब तक क्वेश्चन जीरो नहीं आ जाता तब तक हमने उसको रिपीट करना है। ओके, सो फाइव को फर्स्टली मैंने टू पे डिवाइड किया था, क्वेश्चन टू आ गया, रिमाइंडर वन आ गया। अगेन मैंने उस क्वेश्चन को डिविडेंड बना के टू पे डिवाइड किया, अब मेरे पास क्वेश्चन वन आ गया लेकिन रिमाइंडर क्या आ गया, जीरो। तो उन्होंने बोला है कि टिल द क्वेश्चन जीरो, हमें क्वेश्चन जीरो करना है, डैट मीन्स मुझे वन को अगेन टू पे डिवाइड करना होगा, लेकिन इस बार मैं क्या करूँगी उसको जीरो पे डिवाइड करूँगी, ठीक है। टू जीरो इज द जीरो, सो मेरा क्वेश्चन क्या आ गया जीरो और रिमाइंडर क्या आ गया वन। तो उसके बाद फिफ्थ स्टेप क्या है कि जो हमारा आंसर आया है, रिमाइंडर्स आए हैं, उनको रिवर्स ऑर्डर में लिख देना है, दैट मीन्स नीचे से स्टार्ट करना है। फर्स्टली वी विल राइट वन, देन जीरो, देन वन, और इसका बेस डाल देना है टू, दैट विल कंप्लीट योर डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन। फिफ्थ क्वेश्चन इज ब्रीफली डिस्क्राइब द कन्वर्जन ऑफ बाइनरी नंबर इंटू डेसिमल। अब हमने बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्जन करनी है, ठीक है। हम वही बाइनरी नंबर लेंगे जो हमने ऑब्टेन किया था। फर्स्ट स्टेप क्या है, ईच डिजिट इज मल्टीप्लाइड बाई टू रेज टू द पावर इट्स पोजिशन। पोजिशनल वैल्यू सिस्टम इसमें यूज हो रहा है कि हम हर एक डिजिट को टू के साथ, दैट मीन्स अब अगर हमें बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो हमें बाइनरी के बेस के साथ इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और रेज टू द पावर इट्स पोजिशन, पोजिशन के अकॉर्डिंग उसकी पावर होगी, दैट मीन्स राइट मोस्ट की क्या होगी जीरो, देन इंक्रीज होती जाएगी जब हम लेफ्ट की तरफ जाएंगे। सो 101 इज द नंबर, फर्स्टली वी विल मल्टीप्लाई ईच नंबर एंड पुट द प्लस साइन। फर्स्टली फर्स्ट नंबर को मैंने टू पे मल्टीप्लाई किया, प्लस जीरो को टू पे मल्टीप्लाई किया, प्लस वन को टू पे मल्टीप्लाई किया, ठीक है। अभी मुझे पोजीशंस के अकॉर्डिंग पावर देनी है, तो राइट मोस्ट की क्या पावर है जीरो, देन वन, देन टू, और इसका टोटल बेस मैंने टेन डाला है क्योंकि मुझे डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो जब इसको सॉल्व करेंगे, टू रेज टू पावर टू दैट इज़ फोर, प्लस टू रेज टू पावर वन दैट इज़ टू, प्लस टू रेज टू पावर जीरो इज वन। किसी भी नंबर की पावर अगर जीरो होती है तो वो वन होता है। तो देन अगेन सेकेंड स्टेप इज ऑल एड ऑल द प्रोडक्ट कैलकुलेटेड इन स्टेप वन। जो हमने स्टेप वन में कैलकुलेट किए हैं हमें उनको ऐड करना है। फोर एज इन वन इंटू फोर इज फोर, प्लस टू इंटू जीरो इज जीरो, प्लस वन इंटू वन इज वन। तो हमारा टोटल आंसर क्या आ गया, फाइव। द टोटल इज इक्वलेंट टू द वैल्यू इन द डेसिमल नंबर सिस्टम। जो टोटल होगा वो हमारा डेसिमल नंबर सिस्टम ऑब्टेन होगा। सो 101 का डेसिमल नंबर सिस्टम क्या है, फाइव, और हमने बेस कितना डाला है टेन, कि दैट मीन्स दिस इज द डेसिमल नंबर सिस्टम। ओके, सो विद दिस क्वेश्चन योर सेकंड चैप्टर इज कंप्लीटेड। इफ यू हैव एनी क्वेरी देन आस्क मी इन द ऑनलाइन क्लास। ओके, टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।